आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में जिसमें आपको FD और RD से दुगना रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो 6 महीने का रिटर्न इसका करीब 17.57% का है, 1 साल की बात करें तो करीब 58.15% का रिटर्न है, अगर हम 3 साल की बात करें तो करीब 19.89% का रिटर्न है, अगर हम 5 साल की बात करें तो करीब 22.26% का रिटर्न है, और दोस्तों ऑल टाइम की बात करें जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगातार इस स्कीम ने 26.97% का रिटर्न दिया है। दोस्तों SBI की जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, यहाँ पर दोस्तों आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और साथ के साथ हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि इसके अंदर अगर आप 2500 रुपये महीना से SIP शुरू करते हैं या फिर अगर आप इसके अंदर एक साथ 50,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको यहां पर 1 साल, 2 साल या फिर 10 साल या 5 साल के अंदर कितना पैसा इसके अंदर मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों हम इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बात कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्कीम क्या है। तो दोस्तों ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, अगर हम इसके NAV की बात करें यानी नेट वैल्यू एसेट की तो ये 101.53 रुपये का है। दोस्तों इसकी रेटिंग 4 है और फंड साइज 9,620 करोड़ रुपए का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। मिनिमम इसके अंदर आप 500 रुपए महीना से SIP शुरू कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो यहाँ पर जो स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया जाता है। अगर हम मेन शेयर्स की बात करें तो इल्गी इक्विपमेंट, वी गार्ड इंडस्ट्री, शीला फॉर्म, JK सीमेंट, ब्लू स्टार, CSB बैंक, जो बेहतरीन क्वालिटी के दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक हैं उनके अंदर यहां पर पैसा निवेश किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% का है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का एक खर्चा होता है, जितने पैसे आप जमा करते हैं उसमें से 0.84% काट के जितने यूनिट प्राइस होता है इतने यूनिट आपको अलॉट की जाती हैं। अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो दोस्तों आर श्रीनिवासन इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं। अगर बात करें SBI म्यूचुअल फंड्स की तो दोस्तों इंडिया में नंबर 1 म्यूचुअल फंड हाउस है SBI और यहाँ पर ये 29 जून 1987 में शुरू हुआ था। इसका जो दोस्तों AUM है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 4,99,821 करोड़ का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड हाउस के जरिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स स्कीम में निवेश किया हुआ है। दोस्तों ये तो हुई स्कीम की बात, यहाँ पर दोस्तों इसका जो रिटर्न है वो अप्रोक्स इस स्कीम ने करीब 26.97% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स स्कीम शेयर बाजार से जुड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए आज हम इस स्कीम के जो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो 20% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर अगर आप पैसे जमा करते हैं तो 20% रिटर्न के हिसाब से यानी आने वाले टाइम में अगर ये स्कीम आपको 20% के रिटर्न के हिसाब से रिटर्न देती है तब आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं दोस्तों इसमें SIP कि अगर आप इसके अंदर 2500 रुपये महीना से SIP शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको अप्रॉक्स आने वाले टाइम में भी 20% का रिटर्न मिलता है और इस पैसे को अगर आप 5 साल के लिए जमा करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो रिटर्न मिलेगा वो अप्रॉक्स करीब 1,08,635 रुपये का होगा। यहाँ पर टोटल जो वैल्यू होगी आपको मैच्योरिटी पर वो 2,58,635 की होगी, जबकि यहाँ पर दोस्तों आप 1,50,000 रुपये जमा करेंगे 5 साल में 2500 रुपये महीना के हिसाब से। दोस्तों इस पैसे को आप 1 साल, 6 महीने, 2 साल अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहें जमा कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट 5 साल से लेकर आगे तक करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अगर इस पैसे को आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं यानी 2500 रुपये महीना SIP तो यहाँ पर दोस्तों टोटल जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो करीब 3,00,000 रुपये होगा 10 साल में 2500 रुपये महीना के हिसाब से। एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको मिलेगा वो करीब 6,55,909 रुपये का होगा और टोटल वैल्यू जो होगी आपको जो पैसे मिलेंगे वो करीब 9,55,909 रुपये होंगे। दोस्तों अगर आप इस SIP को कंटिन्यू रखते हैं आगे 5 साल तक यानी 15 साल टोटल इसमें आप निवेश करते हैं तो दोस्तों आपको अप्रॉक्स रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 23,85,737 रुपये का होगा। यहाँ पर आपको टोटल 28,35,737 रुपये मिलेंगे जबकि आप सिर्फ 4,50,000 रुपये 15 साल में 2500 रुपये महीना के हिसाब से इसमें जमा करेंगे। दोस्तों अगर आप इस स्कीम में 2500 रुपये महीना की SIP कंटिन्यू रखते हैं अगले 20 साल तक टोटल दोस्तों आप 6,00,000 रुपये जमा करेंगे। एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको मिलेगा वो करीब 73,03,698 रुपये का होगा। मैच्योरिटी पर जो टोटल रकम आपको मिलेगी वो करीब 79,03,698 रुपये की होगी। दोस्तों इस पैसे को अगर आप 25 साल तक के लिए जमा करते हैं, इस SIP को कंटिन्यू रखते हैं तो दोस्तों 25 साल में आप टोटल 7,50,000 रुपये जमा करेंगे।
आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो करीब 2,08,16,770 रुपए का होगा। टोटल जो रकम मिलेगी आपको मैच्योरिटी पर 25 साल के बाद वो करीब 2,15,66,770 रुपए होगी। दोस्तों अगर आप इस SIP को 2,500 रुपए महीना की 30 साल तक के लिए करते हैं, अप्रोक्स रिटर्न जैसे हमने आपको बताया 20% अगर आप इसमें कंटिन्यू मिलता है इस स्कीम में आपको, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो करीब 5,75,02,004 रुपए होंगे। 9 लाख रुपए आप इसमें जमा करेंगे और टोटल मैच्योरिटी पर जो 30 साल में अमाउंट मिलेगा वो करीब 5,84,02,004 रुपए का होगा। दोस्तों ये तो हुई बात SIP की। अगर आप इसके अंदर एक साथ लमसम 50,000 रुपए जमा करते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसका रिटर्न हमने अप्रोक्स माना है 20%, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न होता है वो ऊपर नीचे होता है। इस स्कीम का रिटर्न 26% है, लेकिन हम यहाँ पर 20% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर ये स्कीम 20% रिटर्न के हिसाब से भी आपको रिटर्न देती है तब आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 74,416 रुपए का होगा। मैच्योरिटी पर जो टोटल रकम आपको मिलेगी वो करीब 1,24,416 रुपए की होगी। दोस्तों अगर इस 50,000 रुपए को आप यहाँ पर 10 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 2,59,587 रुपए का होगा। यहाँ पर 50,000 रुपए जमा करने के बाद टोटल जो रकम आपको मैच्योरिटी पर मिलेगी 10 साल के बाद वो करीब 3,09,587 रुपए की होगी। दोस्तों इस पैसे को अगर आप 50,000 रुपए को 15 साल के लिए जमा करते हैं तो यहाँ पर इस रिटर्न के हिसाब से करीब आपको 7,20,351 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। 50,000 रुपए जमा करेंगे और दोस्तों टोटल वैल्यू जो होगी आपके पैसे की 15 साल के बाद वो करीब 7,70,351 रुपए की होगी। दोस्तों अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 18,66,880 रुपए का होगा। जो टोटल रकम होगी मैच्योरिटी पर वो आपको करीब 19,16,880 रुपए की होगी। दोस्तों इस पैसे को अगर आप 25 साल तक के लिए जमा करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके ये पैसा करीब एस्टिमेटेड रिटर्न इसमें आपको 47,19,811 रुपए का मिलेगा। 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मैच्योरिटी पर टोटल जो अमाउंट होगा वो करीब 47,69,811 रुपए का होगा। यानी कि दोस्तों 50,000 रुपए आपके यहाँ पर 50 लाख बन सकते हैं और SIP भी अगर आप करते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों काफी बेहतरीन स्कीम है ये SBI म्यूचुअल फंड स्कीम। अब दोस्तों बात आती है कि इसे हमें खरीदना कैसे है, तो इसके लिए दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक तो आप किसी बैंक के जरिए या फिर किसी ब्रोकर के जरिए भी इसे आप खरीद सकते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पर जो पैसे आप जमा करते हैं उसमें आपको करीब 1-1.5% का चार्ज एक्स्ट्रा देना होता है, यानी कि उसमें आपका कमीशन ब्रोकर कमीशन भी लेते हैं, वो कमीशन आपको थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का ग्रो का लिंक दिया है। दोस्तों लिंक पे क्लिक करके आप अपना वहां पर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपका जो 1.5-2% चार्ज जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका बच जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।